महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बता दें, वोटिंग 20 नवंबर को एक ही चरण में होगी और नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की कांदिवली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अतुल भातखलकर ने गुरुवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले उन्होंने एक भव्य रोड शो किया जिसमें पार्टी नेता भी उपस्थित रहे। भाजपा उम्मीदवार और विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि मैं पार्टी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एक बार फिर मुझ पर भरोसा जताया है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है और मैं इस जिम्मेदारी पर खरा उतरूंगा। नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा नेता अतुल भातखलकर ने दिव्यांग युवती लक्ष्मी का भी आशीर्वाद लिया। अतुल लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले वे लगातार दो बार विधायक चुने जा चुके हैं। अब देखना होगा कि इस चुनावी जंग में कौन विजयी घोषित होता है। महाराष्ट्र से स्टेट हेड मंगला वागे की रिपोर्ट।